आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कोविड वार्ता। देश भर में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ने लगा है। यही वजह है कि एक बार फिर से लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही कोरोना के मरीजों का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जो एक बार फिर से खतरे की आहट को आदेशित कर रहा है। हालांकि तेजी से वैक्सीनेशन होने से कोरोना का खतरा बड़ा नहीं है, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का प्रारंभ करने की घोषणा की थी, तो वहीं 10 जनवरी से बुजुर्गों और 60 वर्ष से ऊपर के अलावा स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का बूस्टर डोज लगाने की घोषणा भी की गई थी, जिसके मद्देनजर अब अभिभावकों के साथ लोगों से भी अपील की जा रही है कि सरकार के इस मुहिम में उनका सहयोग करें। इसी कड़ी में शुक्रवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने बिलासपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों को जागरूक करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन और डेल्टा कोविड वायरस फिर से शहर में तेजी से बढ़ रहा है। खतरा बढ़ गया तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, संख्या ज्यादा बढ़ेगी, है ना। देखिए, बिस्तर नहीं मिल पाना या ओपीडी में डॉक्टर नहीं देख रहे, ये आप लोगों ने बराबर देखा। अगर उससे 3 गुना 4 गुना संख्या बढ़ेगी तो हर आदमी के लिए उसका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर कितने लोगों की मृत्यु हुई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका अपना जीवन गया तो आपके लिए 100% नुकसान है। ये समझना है कि हम खुद को बचा के चलेंगे। शासन अपनी जिम्मेदारी कर रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी वैक्सीन दे के कर रही है, हम लोग मास्क लगाएं, हम बेवजह भीड़ ना करें और जिन जगहों पर बहुत अनिवार्य नहीं है वहाँ ना जाएं। अगर हम लोग अस्पताल में एडमिट होने की बात करें तो 5 लाख का शहर है और 5-10 लाख लोग और बाहर से इलाज के लिए आते हैं। किसी भी सरकार किसी भी व्यवस्था के लिए उतने बेड मुहैया कराना संभव नहीं होगा। जैसा अनुज सर ने बोला, इन्फेक्टिविटी बहुत है, एक पेशेंट 5, 10, 15, 20 को भी इन्फेक्ट करेगा तो कितने डॉक्टर उनको देख पाएंगे, कहाँ बेड मिलेगा, कौन टेस्ट रिपोर्ट दे पाएगा। फिर वही होगा कि सीटी स्कैन की जरूरत है नहीं, हम कर रहे हैं और कॉस्ट बढ़ रहा है तो दुखी हो रहे हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी अभी समय हमारे पास, अगर हम 40 दिन अनुशासित रहेंगे। इस वायरस की अच्छी बात क्या, अफ्रीका में डाउन होना शुरू हो गया, यानी हमारी पूरी परीक्षा 2-3 महीने की है। अगर 1 जनवरी से माने तो मैं समझता हूँ 1 अप्रैल तक बवंडर चला जाएगा, ऐसा मेरा असेसमेंट है, अगर हम अपने को बचाते हैं तो। ठीक है, छोटे भाई जैसे ही हैं, जितने पत्रकार बंधु हैं, तो मेरी सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है IMA के तरफ से कि क्योंकि हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चिकित्सा व्यवसाय में हैं, इस क्षेत्र में हमको मालूम है आने वाली परेशानी जो है ये विकट रूप में आएगी। हो सकता है हमारा एक दिन का फिगर 5 लाख 10 लाख भी जाए, क्योंकि अमेरिका में आज 2 लाख फिगर आ गया है कल, 1,80,000। तो हमको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन इसके कारण भय या जो पैनिक होता है ना, बदहवासी जो आती है सोसाइटी में, उससे हम बच सकें। हम सब, आपकी भी हमारी जिम्मेदारी है, आप भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हम भी, इसलिए हम आपका सहयोग चाहते हैं और हम हमेशा आपके साथ सहयोग के लिए तैयार हैं। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है ताकि लोगों को हम समय समय पे सही तरीके से अवगत करा सके चीज़ों के बारे में, आने वाले खतरों के बारे में, और जो भी हमसे मदद हो सकती है अपने शहर के लिए, समाज के लिए, आसपास के जो भी लोगों को IMA अपने बैनर तरह प्राइवेट रूप से, डॉक्टर सभी, हमारा जो सरकारी तंत्र है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है बिलासपुर में, जो भी IMA ऑफ, हम CMO ऑफिस की बात कर लें या सीम्स की बात कर लें, अगर आप बाकी शहरों से तुलना करेंगे अपने प्रदेश की, तो अपने यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है पिछले जो भी दोनों लहरें हैं, और हम आशा करते हैं आगे भी आपके सहयोग से ऐसा ही काम होते रहेगा। आप लोगों को भी कभी भी कोई दिक्कत हो तो सारे हमारे एक्सपर्ट हैं, आप लोग सब टच में हैं, पर्सनली भी उनसे कोई भी मशविरा कर सकते हैं। और कई बार होता है कि जब इतनी आपाधापी होती है, एकदम से केसेस बढ़ते हैं, तो कुछ अफवाहें भी उड़ती है कि यानी कहीं गलत इलाज हो रहा है, कहीं ज़्यादा। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने लेवल पे उस न्यूज़ को एक बार थोड़ा सा जाँच कर लें कि कितनी सही है वो बात। जो भी अपने हमारे जिम्मेदार लोग हैं और कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उसको ठीक करें, ताकि कोई गलत मैसेज ना जाए समाज में, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।